8 दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में दिल्ली में सार्क की 14वीं बैठक के दौरान अफगानिस्तान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत करना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के दिन को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर साल 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था।